Good morning, class. So today we will start a new chapter: institutional representation of democracy. Okay, so let's start today's class. Universal adult franchisee. It means that the right to vote is granted to all citizens respective of any other consideration. In the case of Indian, all Indian citizen who have attending attend the age of eighteen year. एलिजिबली एलिजिबल टू वोट अब इसमें क्या होता है कि जो इंडियन सिटीजन हैं जो क्या है अट्ठारह साल के हो चुके हैं कितने ईयर के हो चुके हैं एटीन ईयर के वो क्या है वोट करने के लिए एलिजिबल है मतलब उनका वोट लग सकता है वोट आप कर सकते हो तो इन लोकल लैंग्वेज यूस ऑफ द इलेक्शन हेल्ड इन योर विलेज़ ऑल्सो रिसेंटली अभी कुछ गाँव में रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं कुछ में पहले हो गए थे तो जो एटीन ईयर के हो जाते हैं उनको क्या करना पड़ता है अपने आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है कि अभी इस हमारे एटीन ईयर के होंगे तो फिर उनका नाम आ जाता है लिस्ट में उसके बाद में उनका वोटर आइडेंटी कार्ड बन जाता है तो उसके बाद में जब आप जाते हो तो वहाँ पर लिस्ट दी जाती है उसमें आपका नाम चेक करके आपको वोटिंग के लिए वोटिंग करने दी जाती है वोटिंग एज इन इंडिया जर्मनी चाइना एंड यूके इज एटीन ईयर इन स्विट्ज़रलैंड इट इज़ ट्वेंटी ईर स्विट्ज़रलैंड में ट्वेंटी ईयर है बाकी ब्राज़ील जर्मनी चाइना और यूके और इंडिया में एटीन ईयर है इन यूके द वोटिंग एज वॉज लोअर टू एटीन इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन इन यू से इन द नाइनटीन सेवनटी नाइन एंड इन इंडिया नाइनटीन एटी नाइन पहले इंडिया में भी कितनी थी ट्वेंटी वन ईयर थी उसके बाद में क्या किया इन्होंने वापस से चेंज करके लोअर कर दी उसको एटीन ईयर कर दिया जर्मनी वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस अडल्ट फ्रेंची इन नाइनटीन नाइनटी वन कौन सी कंट्री ने सबसे पहले इसको किया था जर्मनी uh, ने लेजिलेटिव असम्बली डिड एग्जिस्ट इवन अंडर द ब्रिटिश रूल इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट द राइट टू वोट वॉज मेड यूनिवर्सल इंटर द एज लिमिट वॉज से वन ईयर लेटर इट वॉज रिड्यूज टू एटीन ईयर उसके बाद में उसको ट्वेंटी वन से कितना कर दिया एटीन ईयर कर दिया गया इलेक्शन अब देखो इलेक्शन कैसे होते हैं इलेक्शन कमीशन होता है जो सारी चीज़ें हेल्ड करवाता है सारी चीज़ें वही ऑर्गेनाइज करवाता है जो गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं पुलिस वाले होते हैं उनकी ड्यूटीज़ लगती है और हर गांव में इलेक्शन बूथ बनवाए जाते हैं और मतलब हर एरिया में जैसे पार्षद है तो हर एरिया में स्कूल या उनके आस का कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग उसको बनाया जाता है फिर वहाँ पे और उसमें मतलब इवन दैट मैंशन किया जाता है कि वोटिंग बूथ टू हंड्रेड मीटर वन किलोमीटर मतलब बताया जाता है कि कितने किलोमीटर दूर है उसके बाद में आपको आपके वोटर आइडेंटी कार्ड होते ही आपके पास और उसमें लिस्ट, लिस्ट में अपना नाम देखो और आपको जो कैंडिडेट सही लगता है उसको आप वोट कर सकते हो तो ये उसमें होता है और बाकी पार्टीज़ वगैरह आपने देखीज है कि कैसे वो लोग प्रमोशन करते हैं घर घर आते हैं और बाकी सब चीज़ें वो लोग करते हैं वॉच बिफोर द शेड्यूल डेट से और उसके बाद में क्या होता है इलेक्शन कमीशन के काम बहुत ज़्यादा उनको मतलब ये नोट्स भी निकाला जाता है कि कब आपको प्रचार बंद करता है चुनाव प्रचार उसके बाद में क्या होते हैं कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो जैसे कि कुछ लोगों ने आप नोटिस किया लिखा होता है कि सरपंच पार्षद वो भी अपनी गाड़ी से हटवाने के लिए बोले जाते हैं तो काफ़ी लोग उस रूल को फॉलो भी करते हैं वॉच बिफोर द शेड्यूल डेट सलेक्शन इलेक्ट्रिक रोल्स आर पिटेड एंड पुट अप द इंफॉर्मेशन ऑफ द वोटर और उसके बाद मैंने बताया दिया कि वोटर के इन्फॉर्मेशन में वोटर लिस्ट आ जाती है जो अभी न्यूली एटीन ईयर के हुए उनके नाम एडिट किए जाते हैं फिर उनको एक स्लिप भी प्रोवाइड करवाई जाती है अगर आप वोटर हो तो आपके घर पर वो स्लिप मतलब जो लोग खड़े होते हैं वो ये काम करते हैं और ये भी कहने आते हैं कि हमें वोट देना अपना जो चुनाव चिन्ह होता है वो करके आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर विद्रॉल ऑफ नेम्स होल्डिंग ऑफ इलेक्शन एंड द डिकलेशन ऑफ रिजल्ट एनी एलिजिबल वोटर हु इज ट्वेंटी फाइव ईयर ऑफ द एज कैन बी कैंडिडेट फॉर इलेक्शन जिसकी जो ट्वेंटी फाइव ईयर का हो चुका है वो क्या कर सकता है इलेक्शन में एज अ कैंडिडेट खड़ा हो सकता है अब कुछ पार्टीज़ हैं यहाँ पर जैसे अपने बीजेपी है कांग्रेस है तो इनके आपको पता है कांग्रेस का हाथ है बीजेपी का फूल आपका झाड़ू है तो ये लीडिंग पार्टीज़ है उसके अलावा काफ़ी अदर पार्टीज़ होती हैं उनको क्या करता है एक मतलब सिंबल प्रोवाइड करवाता है इलेक्शन कमीशन और अभी ई लगा दी है तो पहले ये होता था कि आपको मतलब स्टैम्प टाइप लगाना पड़ता था बट अब ई लग गई है तो ई में मतलब उसके सामने बटन दिया होता है फ़ोटो और नाम दिया होता है अगर आपको नाम से नहीं पता तो आप उसका निशान पता है कि अलमारी है फ्रिज है टीवी है तो उस पर आप बटन प्रेस करोगे तो आपका वोट काउंट हो जाता है Uh, I just explained this. Now we have electronic voting machine. The candidate go from home to home put advertisement in newspaper or distribute hands will ask in the voter to favor them. They both candidate also hold public meeting to tell them voter. व्हाट दे इंडीड टू डू वेलफेयर द वोटर मस्ट गेट इलेक्टेड फ्रॉम द गवर्नमेंट और उसके बाद में वो क्या करते हैं बोलते हैं घर घर चाहिए कि अगर मैं इलेक्ट इलेक्शन में जीत गया तो मैं सड़कें बनवाऊंगा मैं आपके वाटर टैंक लगवा दूंगा मैं गांव में कुआं बनवा दूंगा मैं आपके सोलर लाइट लगवा दूँगा घर के आगे मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा तो वो सारे होते हैं रूल्स उसके बाद में कौन कितना करता है वो डिपेंड करता है उन पर तो uh. यही अपने पॉइंट थे आज की कैसे कौन से इलेक्शन कमीशन होती है वो करवाती है और वोटिंग की जो एज है वो कितनी है एटीन ईयर है पहले ट्वेंटी वन ईयर थी उसके बाद में उसको रिड्यूस करके एटीन ईयर कर दिया और अगर आप ट्वेंटी फाइव ईयर के हो तो आप कैंडिडेट एज ए खड़े हो सकते हो और सब पार्टीज़ के क्या होते हैं अलग अलग सिंबल्स होते हैं अलग अलग सिंबल होते हैं और सिंबल्स के हिसाब से आपको वोट करना होता है और वोटिंग इलेक्शन कमीशन सारी ये चीज़ें करवाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं जो स्पॉन्सर करती है उसमें क्या होता है जब आपको बीजेपी से टिकट मिल जाती है तो भाई आपके पास एक होता है कि आपको मतलब पर्सनली इतना नहीं कि सब जानते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट है कांग्रेस का कैंडिडेट है आपका कैंडिडेट बट आप एक न्यूली खड़े होते हो तो आपको पर्सनली करना पड़ता है तो उसमें फंड्स वगैरह भी मिलते हैं तो फाइनेंशियली भी थोड़ी हेल्प हो जाती है ओके okay, इसके आगे का जो है कि कैसे क्या गवर्नमेंट के काम वगैरह होते हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे अब होमवर्क में ये, न्यू वर्ड्स हैं और ये जो मैंने दिए हैं इसका मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि कौन से में क्या आएगा तो यहाँ से आप कॉपी कर लेना आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ इश्यूज आर देयर एंड इफ़ यू हैविंग यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप ओके है नाइस डे